नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ACF, जिसे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर कहा जाता है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी मीडिया होती है और किस तरह से एयरिंग होती है, और इसमें फ्रंटल पैकिंग किस तरह से होता है और किस तरह से वेसल काम करती है और कौन कौन सी इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब करती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोग ड्रॉइंग में देख पा रहे हैं, ये हमारा वेसल का जो इनसाइड में जो मीडिया होती है और अरेंजमेंट होती है उसके बारे में दिखा रहा है ड्राइंग में। तो ये सबसे पहले जो नीचे में जो होती है, इसे बेड प्लेट कहा जाता है, जो कि हमारा परफोरेटेड होती है, उसमें स्टेनलेस फिटिंग की जाती है, जैसे आप लोग ड्राइंग में देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमारे एक पेबल्स जो चिकनी पत्थर होती है, करीब 1.5 इंच से 2 इंच इसका एक लेयर होता है। उसके बाद हमारा इसे तो छोटे साइज के पेबल्स जो लगभग 1 इंच का होता है उसका एक लेयर होता है। उसके बाद हमारा ग्रेवल्स जो लगभग 1/2 इंच साइज की होती है उसका एक लेयर, जैसे कि आप लोग ड्राइंग में देख पा रहे हैं, उसका एक लेयर होता है। उसके बाद हमारा सैंड जो है, जो फाइन सैंड्स होती है, उसका एक लेयर होता है। उसके बाद मेन जो हमारा मीडिया है, जिसके नाम से ही इस वेसल का नाम है, वो एक्टिवेटेड कार्बन, उसका एक लेयर होता है जो कि ग्रेनुलर फॉर्म में होता है, जिसे GACV कहा जाता है, ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन, जो कि पोरस होती है। और इस तरह से आप देख रहे हैं ड्राइंग में, ये हमारा टोटल मीडिया है जिस वेसल में होती है। ये हमारा ऊपर में आप इनलेट पाइप देख रहे हैं, जिसे बेल माउथ से पानी हमारा इनलेट होकर वेसल में गिरती है। और ये हमारा जो वेसल है, ये हमारा जो बेसिक जो इम्प्योरिटीज होती है वाटर में वो रिमूव करती है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपका ऑयल, पानी में जो टेस्ट है, ऑर्डर है, उसे रिमूव करती है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लोरिन, जो फ्री क्लोरिन है पानी में, जो हम प्री ट्रीटमेंट के दौरान डोजिंग करते हैं, वो भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। और सबसे इसके साथ साथ क्या है कि हमारी टर्बिडिटी भी रिमूव करती है पानी में, जो इसका आउटलेट होता है, इसका टर्बिडिटी ऑलमोस्ट नील हो जाती है, जिसके कारण इसका पानी जो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए भी यूज किया जाता है, यानी पीने का पर्पज में यूज किया जाता है। तो इस तरह से पानी हमारे ऊपर से मीडिया के थ्रू से फ्लो होते होते छन के हमारा आउटलेट होते हुए ये आगे प्रोसेस में चली जाती है। तो इस तरह से हमारा जो इम्प्योरिटीज है जो पानी में, ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका फ्रंटल अरेंजमेंट कैसा होता है और पाइपिंग का अरेंजमेंट कैसा होता है, वो देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग ड्राइंग में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इसमें एक मैनहोल होता है जो वेसल का टॉप में होता है। इसका यूज ये होता है कि हम वेसल को मैनहोल का कवर खोल के इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, प्लस मीडिया चार्जिंग के भी काम में आती है। और जब हम ओपन बैकवाश कहते हैं करते हैं तो भी इसमें इसको खोल के ओपन बैकवाश किया जाता है। और इसमें जो वाल्व होते हैं, इसमें इनलेट वाल्व होते हैं, बैकवाश आउटलेट होते हैं, बैकवाश इनलेट वाल्व होते हैं, रिंस वाल्व होते हैं, आउटलेट वाल्व होते हैं, और एक एयर वेंट वाल्व होती है। तो इसको जब सर्विस में लिया जाता है तो सबसे पहले पानी यहाँ से इनलेट होती है, इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, और इसके साथ साथ हमारा एयर वेंट वाल्व भी ओपन हो जाता है। जब एयर वेंट वाल्व से हमारा वेसल से एयर रिलीज होकर पानी आ जाती है तो एयर वेंट वाल्व क्लोज हो जाती है, उसके बाद रिंस वाल्व ओपन हो जाता है, और उसके बाद जाके हमारा आउटलेट वाल्व ओपन होने हो जाती है और रिंस वाल्व क्लोज हो जाती है। तो इस तरह से वेसल हमारा जो है ये सर्विस में आ जाती है और पानी से इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब करना चालू कर देती है और ये अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर देती है। इस तरह से ये वेसल जो है हमारा सर्विस में आ जाता है। अब इसमें जो इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब होती है उसको रिमूव भी करना है, तो उसके लिए हमें बैकवॉश करना है। तो बैकवॉश इनलेट वाल्व और बैकवॉश आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है और पानी हमारा नीचे से होते हुए ऊपर से जो मीडिया के अपोजिट डायरेक्शन से जो सही निकल के बैकवॉश आउटलेट वाल्व से हमारा पानी बाहर आ जाता है। तो जो सर्विस का जो डायरेक्शन होता है उसका जस्ट अपोजिट में हमारा बैकवॉश के टाइम में पानी फ्लो होता है, ताकि हमारा एक्टिवेटेड कार्बन वॉश हो जाए और फिर से वो रेडी हो जाती है हमारी सर्विस में लेने के लिए। तो ये साइकिल हमारा चलता रहता है। तो इस तरह से ये काम करती है और इस तरह से इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब करती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसके बाद हम लोग हमारा चलेंगे, जैसे कि हम प्रोडक्ट में बताए थे कि ये पानी हमारा सॉफ्टनर प्लांट में जाती है और डीम प्लांट में, तो आगे हम सॉफ्टनर के बारे में जानेंगे। देखने के लिए वीडियो, आप लोग का धन्यवाद।